स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका की किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। आज मैं आपको घर पे वाटरमेलन यानी कि तरबूज का जूस निकालने सिखाने जा रही हूँ। तरबूज जो होता है गर्मियों में हमें इतनी ठंडक देता है कि दिल दिमाग सब ठंडा हो जाता है, और टेस्ट में तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बहुत ही आसान होता है निकालना, बहुत सारे मेरे दोस्तों को इसे निकालना आता भी होगा और बहुत सारों को नहीं आता होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पे बना दिया जाए, और मैंने इस पे बनाया है बहुत ही आसान तरीके से। मात्र 2 मिनट में मैंने जूस निकाल के तैयार किया है, और मैंने इसके लिए अलग से कोई जूसर नहीं खरीदा है, जो घर में हमारे अवेलेबल होता है उसी से ही निकाला है बहुत ही आसान तरीके से। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाला है जिससे कि इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ गया है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए और वो इंग्रेडिएंट आप भी डालिए, तो बहुत ही आपको टेस्टी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं तरबूज क्यों दिखा रही हूँ, तरबूज काटना तो सबको आता है, बट फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से काटती हूँ। लाल लाल तरबूज निकला है ना, इस तरीके से ये निकाल करके फॉर्म हम इसे सफेद वाला हिस्सा नीचे का रहने देंगे और ये खाली लाल लाल हिस्सा इकट्ठा कर लेंगे। तो चलिए अपना तरबूज हम पहले इकट्ठा कर लेते हैं सारा, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने छिलके अलग कर लिए हैं, ये पीसेस अलग कर लिए, और किसी में से भी मैंने बीज नहीं निकाले हैं, मैं बीज के समेत ही डाल रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने मिक्सी का बड़ा वाला ग्राइंडर जार ले लिया है, और इसमें मैं ये सारे पीसेस डाल रही हूँ। बस चलिए इसे इस तरीके से ग्राइंड करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इसको बहुत ज्यादा तेज उस पे मत चला दीजिएगा फर्स्ट वाले पे, मैं इसको पल्सेटर पे चला। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से पिस चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा जूस तैयार है, जरा सा इसे छान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें भी आपको छानना है, और ये वाली एक छन्नी ले लीजिएगा जिसमें देखिए दूरी ज्यादा है, तारों में बहुत ज्यादा चिपके हुए तार नहीं है, बहुत महीन छन्नी नहीं है। ये छन्नी लेकर के हम इसमें डालेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे हिलाते हुए छान लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, पूरा अच्छी तरीके से इस तरीके से दबाते हुए इसमें से जूस निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसमें मलमल के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस का कपड़ा एक अलग से आता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं, पर सबके पास छन्नी अवेलेबल होती है इजली, इसलिए मैं आपको छन्नी से बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से पल्सिंग से क्या हुआ, ये देखिए बीज रह गए हैं इसमें,
थोड़े बहुत जो पिसे हैं तो कोई बात नहीं, हम ठंडाई में भी तरबूज के बीज ही पीस के पीते हैं, तो ये अच्छे हैं हमारी सेहत के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए इस तरीके से आपका अच्छे से पूरा क्लीन हो गया है और नीचे आपका फ्रेश जूस तैयार हो गया है। क्या करना है हमें इसमें, कुछ भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा काला नमक टेस्ट के अनुसार आप इसमें डाल लीजिए और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए गर्मी की चिलचिलाती हुई धूप में जब कोई अपना बाहर से आए तो आप इसे ठंडा ठंडा चिल्ड जूस पिलाइए। एक वो मैंने चम्मच से हिलाया था इसलिए बीज आ गए, निकाल देती हूँ। तो उसे ठंडा ठंडा जूस पिलाइए और दुआएं दीजिए। धन्यवाद। कैसी लगी आज को आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए जरूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।